नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश। 26 मार्च दिन शुक्रवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल, आज की मुख्य समाचार। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 2 हफ्ते में यूपी जेल में किया जाएगा शिफ्ट। यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 15 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। यूपी के देवरिया में पिछड़ी के लिए आरक्षित हुई सीट, प्रधानी के लिए उसी बिरादरी में किया निगाह। सीएम योगी ने दिया होली का तोहफा, हर विभाग के कर्मचारी को होली से पहले सैलरी देने का आदेश। लट साहिब के जुलूस के लिए मस्जिदों पर पर्दा डालने पर इमाम को हुआ एतराज, बोले सभी लोग मनाते हैं होली। अब खबरें विस्तार से। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला दिया। अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट करना होगा। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था और इस पर अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद विशेष कोर्ट तय करेगा कि अंसारी को इलाहाबाद या बांद्रा में किस जेल में रखा जाएगा। इससे पहले पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था। 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में है, जहां उसे जबरन वसूली मामले में नामजद किया गया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अंसारी की अनुपस्थिति के कारण यूपी में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। यूपी में 4 चरणों में पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 मंडल के एक एक जिले में 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण का चुनाव 19 अप्रैल, तीसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को सम्पन्न होगा। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह की भी घोषणा कर दी है। प्रधान पद के लिए 38 और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 18 और बीडीसी सदस्य के लिए 36 चिन्ह चुनाव की घोषणा की गई है। यूपी में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पंचायत चुनाव के लिए सरगर्मियां जोरों पर हैं। 2-2 दफे आई आरक्षण सूची में अलग अलग नतीजों से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। कई नए चेहरे चुनाव मैदान में आ गए हैं तो कई जगह कई साल से प्रधानी का ख्वाब देख रहे नेता चुनावी रेस से बाहर हो गए हैं। आरक्षण सूची के कारण चुनावी दौर से बाहर होने पर लोग चुनाव लड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अजमा रहे हैं। देवरिया में सीट आरक्षित होने के कारण चुनावी रेस से बाहर हुए एक ऐसे ही नेता ने चुनाव लड़ने के लिए अपने बेटे का निकाह उसी जाति की लड़की से करा दिया। अब वह अपनी नई नवेली बहू को प्रधानी का चुनाव लड़ाएंगे। वहीं बेटे सिराज रहमत ने कहा कि समाज सेवा करना है तो जाति पाति और धर्म से ऊपर उठना होगा। सिराज ने अपने पिता के इस फैसले पर खुशी जताई और कहा कि गांव के लोगों का भी दबाव था कि वह चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा कि होली से पहले हर विभाग के कर्मचारी को वेतन का भुगतान दें। इसके अलावा जल निगम कर्मचारियों को होली से पहले बीते 3 महीने से रुके हुए वेतन का भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना पर अपडेट लिया और होली के दिन कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से पालन कराने के आदेश भी जारी किए हैं।
खबरों के मुताबिक सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भले ही कोरोना की वजह से सार्वजनिक होली के समारोह नहीं आयोजित किए जाएं, लेकिन सैलरी जल्द से जल्द दी जाए जिससे लोगों को त्योहार मनाने में परेशानी न आए। यूपी के शाहजहांपुर में होली के दिन निकाले जाने वाले लट साहिब के जुलूस के चलते मस्जिदों पर प्लास्टिक का पर्दा डाल दिया गया है जिससे होली की वजह से माहौल ना बिगड़े। शहर की 40 मस्जिदों पर प्रशासन की तरफ से प्लास्टिक का पर्दा डाला गया है। प्रशासन का कहना है कि होली के मौके पर निकलने वाले जुलूस की वजह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का डर लग रहता है, इसी वजह से मस्जिदों को ढकना जरूरी है। वहीं प्रशासन की ये दलील मुस्लिम समुदाय के गले से नहीं उतर रही है। शहर के इमाम हजरत मंजूरी का कहना है, जुलूस की रवायत सही हो सकती है लेकिन उसका तरीका गलत है। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं, किसी के भी मन में माहौल बिगड़ने का डर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हुड़दंग से बचने के लिए प्रशासन को जुलूस पर ही रोक लगा देनी चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।